उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर के अंतर्गत न्यू चौहानपुर गांव में एक लड़की को उसके ससुराल पक्ष ने दहेज की खातिर 3 दिनों से घर से बाहर निकाल रखा है। लड़की इतनी कड़ी धूप में घर के बाहर बैठी हुई है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। पीड़ित लड़की निशा बदला हुआ नाम का आरोप है कि उसकी शादी 27 अप्रैल 2021 को ललित मोहन के साथ हुई थी। शादी के समय ससुराल पक्ष ने दहेज में कार लेने की मांग की थी। मेरे परिवार ने वैगनार कार देने को कहा। ससुराल पक्ष क्रेटा कार देने के लिए प्रताड़ित करते रहे और मेरे साथ मारपीट भी करते रहे। ससुराल पक्ष ने 11 मई सुबह 5 बजे पीड़ित लड़की को मार कर घर से बाहर निकाल दिया और घर का ताला लगा दिया। तभी से पीड़ित लड़की घर के बाहर बैठी हुई है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि इसकी शिकायत संबंधित थाने को दी गई, लेकिन पुलिस की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिली। 3 दिनों से पीड़िता अपनी ससुराल के आगे बैठी हुई है। इस पीड़िता के साथ मोहल्ले के लोग भी उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन ससुराल पक्ष मानने को तैयार नहीं है। वहीं पीड़िता ने अपने ससुर जेठ पर प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। अच्छा, आप अपने घर के पास क्यों बैठी हुई हैं? आपका घर है या ससुराल है? ये मेरा ससुराल है जी। परसों सुबह 5 बजे मेरे साथ मारपीट करके इन्होंने मेरे को बाहर निकाला, गेट बंद कर लिया, तब से मैं बाहर हूँ। उसके बाद इन्होंने बाहर गेट पे ताला लगा दिया, लेकिन अंदर पूरी फैमिली थी। ऊपर से सब झांक रहे हैं, ऊपर से सब देख रहे हैं, लेकिन गेट कोई नहीं खोल रहा। और अब जब 3 दिन से हम यहाँ गली में ही हैं, इधर ही पड़े रहते हैं, आप गली वालों से पूछो सबसे, इन्होंने मेरे को कितना मार के निकाला था सुबह सुबह। क्यों मारा मैम? ये दहेज का मामला है। ये बस शादी का 2-2.5 महीने तक तो ठीक रहा, पहले गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी। विस्तार से बताइए, कहाँ, किसके यहाँ आपकी शादी हुई, कैसे हुई, कब हुई? जगन्नाथ है, लास्ट ईयर अप्रैल में मेरी शादी हुई थी, 27 अप्रैल को। उस टाइम लॉकडाउन था तो गाड़ी उस टाइम दे नहीं पाए थे। इन्होंने गाड़ी के लिए इतना परेशान कर दिया। मैंने अपने घर पे बोल के कि आप जल्दी करो, गाड़ी दी। हम वैगनार दे रहे थे, इन्होंने वैगनार लेने से मना कर दिया। जब मेरे पापा ने वैन्यू दी तो अभी मेरे से इसलिए लड़ते हैं कि वैन्यू क्यों लेकर आई, क्रेटा चाहिए हमें। अब साल भर हो गया इनका यही लड़ाई करते करते कि क्रेटा लेकर आ। और आप कहते हैं कि बाहर लेके जाऊंगा तुझे रेंट पे, और नहीं तो अपने बाप को बोल एक फ्लैट लेके देगा। मेरे ससुर, मेरे जेठ, बड़े जेठ ब्रिजमोहन बिट्टू, मेरी जिठानी उषा, ससुर मेरे जगन्नाथ, मेरी सास मालचंदी और मेरे पति ललित, ये मेरे साथ मारपिटाई करते हैं। और परसों सुबह सुबह भी इन्होंने मेरे साथ इसी तरह मारपिटाई करी, तब से मैं गली में बैठी हूँ। वही बच्चा वगैरह है? नहीं, बच्चा इनके घर वालों ने गंदा इनको बोल रखा, कहते तुझे मैं बंजर रखूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी यहीं रहूंगी। ये बस ये चाहते हैं कि ये खुद से निकल के चली जाए। साल भर हो गया इन्हें यही परेशान करते। कितने दिन से आप बाहर बैठी हो इस भीषण गर्मी में? परसों सुबह 5 बजे से। अच्छा, पुलिस में एफआईआर दर्ज है? हमने पुलिस में दी। परसों पूरा दिन हमारा या तो पुलिस स्टेशन या यहाँ यही ऐसे ही निकलता रहा। कल हमने फिर से एफआईआर दी, आज हम फिर से एसीपी वगैरह करें, लेकिन हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। ये जो मेरे जेठ हैं ब्रिजमोहन बिट्टू जो हैं, ये कोई एमएलए हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनके साथ ये मिशन भीम में लगे हुए हैं। उनकी अप्रोच से वो डीसीपी को अप्रोच लगा रखी है, तो हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही और उनकी तरफ से हो रही है। पुलिस वाले यहाँ आते हैं बस गेट बजा के कहते हैं है ही नहीं कोई यहाँ पे, है ही नहीं, जबकि दिख रहे हैं कि ऊपर से सब झांक रहे हैं, लेकिन कोई गेट नहीं खुलवा रहा। महिला आयोग में शिकायत करी आपने? महिला आयोग में हमने कॉल करी, आए पुलिस वाले, वो भी बोलते हैं कि हम ताला तोड़ के अंदर नहीं घुसा सकते। दहेज का ही मामला है या कुछ और मामला? अभी हमें अब पता चला है जब परसों से हम यहाँ बैठे हैं कि इस लड़के ने पहले से शादी कर रखी है, और ये मेरे को अब परसों से पता चला है कि उसका एक बेटा भी है। और ये इसी चक्कर में ये चाहते थे कि मैं निकल जाऊँ बस यहाँ से। क्या इंसाफ चाहते हैं? मैं बस अपने घर में जाना चाहती हूँ। मारपिटाई भी आपके साथ की गई? मेरे साथ मारपिटाई बहुत टाइम से चल रही है। मेरे गले पे यहाँ निशान थे, पूरे में मेरे हाथ में निशान थे। आप गली में पूछो सबसे इन्होंने किस हाल में मेरे को बाहर भगाया था। चौहानपुर में शादी करी है लड़की की, और लड़की को 3 महीने 5 से इतना परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए कि पहले कहते थे हमें वैन्यू गाड़ी चाहिए, वैन्यू दे दी हमने, किस्तों पे लेके दी, हमें पैसे भी नहीं थे। फिर अब कहते हैं इस गाड़ी लेके जाओ तो हमें करेटा गाड़ी चाहिए।
वो जेठ है लड़की का, बिट्टू नाम है उसका। लड़का कुछ बोलता नहीं, लड़का वो बोलता है जो ये उसके माँ बाप बोलते हैं। बाप है उसके जगन्नाथ, बाप का नाम है जगन्नाथ, बड़े भाई का नाम है बिट्टू। वो बिट्टू और बाप भी ज्यादा हो रहे हैं उनको, अरब कहते हैं लड़की को जो मार के भगाया कि लड़का दूसरी जगह ज्वाइनिंग कर रहा है तो अपने बाप से फ्लैट लेगा, जब तक फ्लैट नहीं देंगे जब तक तू घर में एंट्री नहीं करेगी तेरी। कितने दिन से आपकी बेटी बाहर बैठी हुई है? ये 3 दिन हो गए आज। और इन्हें लड़ाई कर रखी बहुत, काफी टाइम से। हम कई बार आए भी थे यहाँ पे, सुलह करके चले जाते थे कि देखो हमारी जो बेटी है तुम्हें दहेज इतना दे दिया और कहाँ से दहेज देंगे इतना। क्या इंसाफ चाहते हैं? हम चाहते हैं ये लड़की को अंदर करें, क्यों बाहर इन्होंने बैठा रखा है? खुद दूसरे के मकान में भर के बैठे हुए हैं, अपने घर में सब अंदर है और ताला बाहर से बंद कर रखा, लड़की को अंदर नहीं पढ़ने दे। हम कहाँ से दें इनको फ्लैट बताओ? गाड़ी दे दी इन्हें, अब इतना जो भी इन्होंने मांगा हुआ दिया, हम कहाँ से दें इनको? गली में ये भीड़ लगी हुई है और एक जो लेडीज हैं उनका आरोप है कि उन्हें घर से निकाला गया, ताला लगाया हुआ, 3 दिन से घर के बाहर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला भैया? सही कह रही है, 3 दिन से सुबह सुबह इस बहू को मार पीट के निकाल दिया, सारा गांव तमाशा देख रहा, अंदर ही अंदर सब बाहर दरवाजा कोई नहीं खोल रहा, इन्होंने खड़ू तार रखा है। बताओ इसकी इज्जत नहीं लड़की की? क्या ऐसा तो औरत तो फिर नहीं मरती, कितनी रहेगी? शादी करो छोड़ दो, शादी करो छोड़ दो, ऐसा कब तक चलेगा भाई? अच्छा पूरा मामला है क्या ये? दहेज के लिए लड़ाई है लड़की लड़के ने, कोई सुना मैंने कुछ, हम भी सुनने नहीं आ रहा कि कोई ऐसी ऐसी कुछ बात है, कुछ बच्चा बच्चा इसका कोई कुछ पानी काट। दहेज मांगते हैं क्या? दहेज मांगते हैं, दहेज मांगते हैं लड़के। तो कितने दिन हो गए इसे लड़की को बैठे हुए यहाँ? 3 दिन हो गए, 3 दिन भैया, 3 दिन से हम भी देख रहे हैं, सुबह शाम रात दोपहर सारे टाइम लड़की यहीं पड़ी रहती है बेचारी। तो ये खाते पीते कहाँ से इतनी धूप में? खाते पीते उसके पीहर वाले आते हैं जब लेके आते हैं खाने खाने के लिए, उसने खाए नहीं 3 दिन से, खाना नहीं खाया लड़की ने, हमने बेचारे को खाते हुए नहीं देखा कि उसने खाना खाया पानी पिया, देखा ही नहीं खाते पीते उसे। क्या नाम है उनके हस्बैंड का? क्या नाम है? ललित मोहन। अच्छा पुलिस में इन्होंने FIR दर्ज करी? पुलिस कुछ कार्रवाई एक्शन लेके नहीं जाती, आती चली जाती, आती चली जाती। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।